हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फंगल 100 mg कैप्सूल के बारे में। आपको बताएंगे इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। तो आप वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है फंगल 100 mg कैप्सूल। आपको बता दीजिए इसका उपयोग एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए किया। आपको बता दीजिए अगर आपको दाद हो गया है, खुजली हो गया है, बहुत ज्यादा एक्जिमा है, बहुत पुरानी दाद है, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। हम आपको पूरा डिटेल में करेंगे, उसके पहले इस कैप्सूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते। तो आपको स्क्रीन सामने दिख रहा है जो फंगल 100 mg कैप्सूल होता है, यह है इसके अंदर जो ड्रग्स होती है इट्राकोनाजॉल 100 mg कैप्सूल में पाई जाती है। आपको पता है जो इट्राकोनाजॉल कैप्सूल होता है यह बहुत सारी अदर नेम से भी आता है, जैसे कि कैंडी फोर्स हो गया 100 mg का, इसका 200 mg भी, इट्रालेस, आईटी मैक 100 mg, 200 mg का, इस प्रकार के कैंडी फोर्स जो इट्राकोनाजॉल होता है, इन्फेक्शन ड्रग्स होता है, इन नामों से जाना जाता है, अदर कंपनी बनाती है। तो आपको पता है कि इसकी जो कंपनी होती है एलिस हेल्थ केयर इसको बनाती है, और बता दें कि इसकी प्राइस जो 150 रुपये में 10 कैप्सूल आपको सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से इट्राकोनाजॉल ड्रग्स के रूप में आप कहीं भी पा सकते हैं। नाम अलग हो सकता है पर इट्राकोनाजॉल कैप्सूल जो होता है ड्रग्स होता है वह नॉर्मल इन्फेक्शन में के लिए किया जाता है। तो आपको पता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। आपको पता है जो फंगल इन्फेक्शन होता है, आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी दाद हो गई हो, या आपके स्किन पे कहीं भी गले के ऊपर, हाथ पे, पैर पे, पीठ पे दाद हो गई है, पुरानी दाद हो, जैसे कि चकते पड़ गए हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, जैसे कि बरसाती फोड़ा भी, अगर फुंसी भी है आप पे, तो नॉर्मल तरह से इसका फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे दाद वाद काच उस लग गया, इसमें नॉर्मली इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये आपके बॉडी है जो इसके ऊपर वर्क कैसे करता है, तो आपको जो यह फंगल 100 mg कैप्सूल होता है, यह एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है। यह फंगल सेल यानी मेम्ब्रेन जो होता है उसको नष्ट कर देता है, और उसके वजह से जो इन्फेक्शन होता है, जो कवक आपके बॉडी के ऊपर दिखते हैं, स्किन पे दिखते हैं, उसको आसानी से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो पुरानी रहती है वह नए रूप में स्किन, जैसे अच्छी स्किन बन जाती है, जैसे दाद हुई होगी तो अजीब तरह से इस प्रकार का दिखता होगा, तो वह आपका नॉर्मली स्किन स्मूथ तरह से हो जाए। तो इसकी डोज एंड साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको इसका डोज नॉर्मली कोई भी मेडिसिन हो, सिरप हो, ड्रग्स हो, उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार गए, क्योंकि डॉक्टर आपके एज, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग और आपकी पर्सनालिटी क्या है उस हिसाब से आपके डोज बताएगा। तो इसकी नॉर्मल डोज 1 कैप्सूल बीडी यानी एक सुबह एक शाम, आपको खाना खाने के बाद जब रेस्ट करें तब इसको खा ले, और इसका उपयोग आपको नॉर्मली तरह से कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना आपका डॉक्टर जैसे एडवाइस करे, आपका जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो उसका 3 महीना 2 महीना इसका कोर्स होता है। अगर आप कोर्स के बीच में इसको छोड़ते हैं, या तो 10 दिन खाने के बाद आपको जैसे कि आराम हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर यह आपको जो दाद होता है, इन्फेक्शन होगा, रिटर्न आ जाएगा, तो इसका जो भी कोर्स है आपको 3 महीने से 4 महीने 2 महीने जैसे आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, नॉर्मल तरह से इसका 3 महीने तक का कोर्स होता है। और इसकी साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपको इस खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है, उल्टी आ रही है, कब्ज बन रहा है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो इसमें इसका उपयोग ना करें। जब भी इसका ऐसे दिक्कत हो तो अपने जिस डॉक्टर से एडवाइस लिए थे तो इसका उससे संपर्क कर ले। अगर ऐसे ही आप खा रहे बिना एडवाइस के, तो बिना एडवाइस खा रहे हैं, तो आप इस प्रकार का लक्षण साइड इफेक्ट दिख रहा है तो इसका तुरंत होल्ड कर दे। तो ये रही कुछ बेसिक नॉलेज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।